आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारे पास प्रश्न है, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन उपस्थित है, तो हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र है। तो हमें यहाँ पे जो चार विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से हमें पता करना है कि आपका इस यौगिक का आपका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। अब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं मूलानुपाती सूत्र कहते किसे। तो मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है, मूलानुपाती सूत्र यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करता है। क्या करेगा, परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करता है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया कि मूलानुपाती सूत्र कहते किसे। अब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका एक तरह से सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले जो आपका बिंदु रहेगा वो तो है आपका तत्व। उसके बाद में क्या आ जाएगा, जो प्रतिशत संगठन हमें आपका इस प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो भी है पदार्थ उसके हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे मोल निकालेंगे। और उसके बाद में हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे सरल अनुपात निकालने वाले हैं। अब सरल अनुपात, मोल सब कैसे निकलेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे तत्व कौन कौन से दे रखे हैं, हमें बोला गया है आपका हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में बोला गया है, हाइड्रोकार्बन के। हाइड्रोकार्बन किससे बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें किसका प्रतिशत दिया हुआ है, कार्बन का, हाइड्रोजन का तो दिया हुआ नहीं है। जो यौगिक होता है उसमें कुल प्रतिशत हम क्या कितना मान ले, 100 मान ले, तो पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 20%। तो इसको हम यहाँ से कैसे याद करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास कार्बन दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ आपको, हाइड्रोजन दिया हुआ है। कार्बन का जो प्रतिशत है वो आपको प्रश्न में दिया हुआ है 80% दिया रखा है। तो कार्बन का 80 है तो हाइड्रोजन का 100 में से घटा दो तो कितना बचेगा आपका, 20% बचेगा। अब आप मोल कैसे याद करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, मोल कैसे निकलेंगे। अगर मैं पूरे यौगिक के भार को अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो हमारे पास 80% कितना हो जाएगा आपका, 80 ग्राम हो जाएगा। अब जब 80 ग्राम है तो मोल कैसे निकलते हैं, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 80, और कार्बन का जो एक परमाणु का भार कितना होता है, 12 होता है, तो उसको हम किससे भाग दे देंगे, 12 से। तो जब भाग दोगे यहाँ पे तो हमें कितना मिलेगा, 6.66, ये क्या मिल जाएंगे, इसके मोल मिल जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मैं कह रहा हूँ कि अगर पूरे यौगिक का भाग अगर 100 था तो उसमें से 20% निकालो तो क्या हो जाएगा, 20% मतलब आपका कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु का भार कितना होता है, 1 होता है। जब हम इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 मोल आ जाएगा। अब सरलतम अनुपात कैसे निकालेंगे, सरलतम अनुपात में क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे मोल निकाले इसमें आपका जो भी ये मोल है, तो इसमें से हमें सबसे दोनों में से जो छोटी संख्या होगी उसको, उससे क्या करना है, इन दोनों को विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 6.66 को आप विभाजित कर रहे हो किससे, 1 से विभाजित कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6.66 से ही करना है, 6.66 से सबसे छोटी संख्या होगी उससे विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। इसको भी हम किससे विभाजित करेंगे, दोनों में से छोटी संख्या में से, कौन सी दोनों में से छोटी संख्या है, 6.6 ही है। तो इसको जब हम यहाँ से विभाजित करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे हमारे पास जो उत्तर निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका, 3 आ जाएगा। कितना आएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब इस तरह से देखा जाए तो कार्बन का सरलतम अनुपात हमें 1 मिला है और हाइड्रोजन का कितना मिला है, 3 मिला है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास आपका मूलानुपाती सूत्र कैसे निकलेगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक तो हमें कार्बन है और एक हमारे पास हाइड्रोजन है। तो कार्बन के हमें सरलतम अनुपात कितना मिला है, कार्बन का सरलतम अनुपात हमें यहाँ पे मिला है आपका
एक मिला है और हाइड्रोजन का कितना मिला है, 3 मिला है। तो अब देखा जाए तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। तो अगर मैं यहां से निकालता हूं तो कितना मिलेगा मुझे, अच्छा कार्बन के कितना सरलतम अनुपात आया, एक ही आया, तो कार्बन का अनुपात क्या हो गया आपका, मतलब एक से गुणा कर दे इसको, तो कार्बन को एक से गुणा करूंगा तो सी ही आएगा। हाइड्रोजन को किससे गुणा कर दो, 3 से, तो क्या आ जाएगा आपका, H3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी मूलानुपाती सूत्र आया है इसका क्या है, CH3 आया है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे आपका मूलानुपाती सूत्र निकाला तो वो हमें कितना प्राप्त हुआ, आपका क्या प्राप्त हुआ, CH3। अब देखते हैं हमारे पास जो विकल्प है उसमें आपका CH3 है क्या। तो देखिए आपका जो विकल्प दूसरा है उसमें आपका CH3 दिया हुआ है, तो CH3 हमारा क्या होगा, सही विकल्प होगा। इसका मतलब आपका हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, CH3 हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।